हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो आईपी कॉन्फिग के ऊपर है कि कई बार क्या होता है कि जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और उसमें आईपी कॉन्फिग टाइप करते हैं तो हमारे पास ये एक एरर थ्रो कर देता है कि जो हमारी कमांड है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही इंटरनल या एक्सटर्नल के थ्रू। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में कि ये कमांड का रीज़न क्या है आने का और सोल्यूशन क्या है इसका। कई बार क्या होता है कि कोई हमसे पूछ लेता है कि आपके एसेट्स का आईपी एड्रेस क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें माय आईपी एड्रेस टाइप करते हैं और इसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो आईपी एड्रेस हमें सामने शो होता है हम वो बता देते हैं, जबकि एक्चुअल में ये आपके एसेट्स का आईपी एड्रेस नहीं होता है, ये होता है आपके आईएसपी का जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इस आईपी के थ्रू हम इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते किसी भी एसेट्स के साथ। तो जनरली हम क्या करते हैं, फिर अनदर ऑप्शन हमारे पास ये है कि रन कमांड ओपन करके सीएमडी खोल दिया, वहाँ पे लिखेंगे आईपी कॉन्फिग, उसके बाद एंटर, ये इशू हमें यहाँ पे शो होता है। तो ये इशू आता क्यों है, इसका मेन कारण ये है कि जब भी हम कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं या पायरेटेड कोई चीज़ें इंस्टॉल करते हैं तो कुछ फाइलें उसमें एरर आती है जो कि इंस्टॉल नहीं होती, जिसके कारण ये इशू आता है। तो चलिए जानते हैं हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने करना क्या है, यहाँ पे लिखना है sfc/ उसके बाद scan now, चाहे आप ये स्मॉल में लिखिए चाहे अपर केस में लिखिए कोई इशू नहीं है। तो आप देखोगे कि ये हमारा जो है वो कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है कि मैं इंटरनल यूज़र के अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इंटरनल यूज़र्स के अंदर नहीं होगा। इसके लिए हमें सिस्टम 32 के अंदर जाना पड़ेगा, cdot लिखेंगे आप बैक आ जाएंगे, उसके बाद सी के अंदर जाके विंडोज़ लिख के आप चाहे इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं वन बाय वन कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि जो न्यू हैं जो इनके थ्रो फैमिलियर नहीं है तो उनको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। तो जैसे हम cd विंडो करेंगे, विंडो के अंदर के जाने के बाद cd करके सिस्टम 32 के अंदर जाएंगे और सिस्टम 32 के अंदर आ जाएंगे तो अब ये जो है sfc कमांड वो वर्क करेगा यहाँ पे। बट एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस रिक्वायर्ड है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं है मेरे पास, तो वो मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के लिए बोल रहा है। तो इसको ओपन करने के दो तरीके हैं, चाहे विंडो आर प्रेस कीजिए या फिर आप मेन मेन्यू में जाकर कंट्रोल में लिख के रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा उसके बाद अगेन आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है। आप देखोगे कि ये ऑलरेडी सिस्टम 32 के अंदर है। तो अब हमने वही सेम कमांड रिपीट करनी है, स्कैन एप, अगर आप स्लैश नहीं डालोगे जो कि मैंने मिस्टेक किया था यहाँ पे, तो ये आपको डिटेल बताएगा कि आप क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हो sfc स्कैन के साथ। तो आप स्कैन अप करके आप एंटर प्रेस कीजिए और इसका वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए, ये 100% कंप्लीट होगा। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी जैसे आपके सॉफ्टवेयर करप्शन के रिलेटेड या कुछ और, तो ये आपको बता दे। तो इस फाइनली स्कैन हो चुका है और जो भी इशू था वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है। अब मैंने आईपी कॉन्फिग करके टाइप किया है यहाँ पे, आप देखेंगे कि इसने मेरे सिस्टम का जो लोकल आईपी एड्रेस है जिस भी सर्वर के साथ मैं कनेक्टेड हूँ उसने उसका आईपी एड्रेस बता दिया है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है एसेट्स का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।